Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute and today I am going to discuss some problem on continuity. इसके पहले वाले वीडियो में हमने लिमिट के बारे में डिस्कशन किया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस हुए थे, तो आज हम कॉन्टीन्यूटी को देखेंगे. तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले कॉन्टीन्यूटी को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, उसका वर्किंग रूल क्या है, उसके बाद हम इस क्वेश्चंस को करेंगे. तो कॉन्टीन्यूटी के लिए वर्किंग रूल कुछ इस तरीके से है. वर्किंग रूल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, तो इसके लिए क्या है कि फंक्शन की लिमिट पहले एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो ज़रूरी है इसके पहले वाला वीडियो आप देख लें. तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए. लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब कि फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट, ये दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए. और उसके साथ कॉन्टीन्यूटी में एक और कंडीशन है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, सपोज करिए एक्स इक्वल टू अगर ए है, तो ये वेरीफाई होना चाहिए. तो LHL, RHL और इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. यानी कुछ इस तरीके से, अगर हम LHL की बात करें तो f 0-0, अगर हम यहाँ पे 0 लेना चाह रहे हैं एट x इक्वल टू 0 पे, अगर हमें कंटिन्यूटी लानी है तो हमें क्या शो करना होगा, f ऑफ 0-0 इज इक्वल टू f ऑफ 0+0 एंड इक्वल टू f ऑफ 0. ये जो रूल है वो एट x इक्वल टू 0, अगर हमें किसी फंक्शन को, मान लीजिए कि फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके का है और इस फंक्शन को अगर हमें कॉन्टीन्यूअस शो करना है, मान लीजिए एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसके साथ साथ इसका फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे. यहाँ पर 0 पुट करके अगर ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है तो कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, अदरवाइज कॉन्टीन्यूअस नहीं है. तो सबसे ज़रूरी है कि लिमिट एग्जिस्ट करे और फिर उस फंक्शन की वैल्यू भी वही आए. तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे. तो दो क्वेश्चन हमने लिखा है, एक ये है और दूसरा ये. तो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा शॉर्ट है इसलिए पहले हम इसी को करते हैं. क्या है कि हमें चेक करना है इसका एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्टीन्यूटी इस पॉइंट पर एक्स इक्वल टू 1 पर. फंक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस 4 फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 1, यानी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच के लिए f ऑफ x की वैल्यू ये है, और x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो f ऑफ x की वैल्यू ये है 4x³ - 3x. और हमें चेक करना है कि x इक्वल टू 1 पर ये कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे, LHL, RHL और f ऑफ 0 फाइंड करेंगे. तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं. तो LHL होगा हमारा f ऑफ 0-0, यहीं से हम निकाल लेते हैं. तो अगर इसका हम निकालेंगे एक्स इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, f ऑफ हमें 1 पे इसका एग्जिस्टेंस निकालना था, तो ये हो जाएगा 1+0 इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1+h. क्लियर, राइट हैंड में रूल के हिसाब से हम यही लिखेंगे. वहाँ x इक्वल टू 0 था इसलिए 0+0 था, यहाँ हमें इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 1 पे. तो 1+0 लिमिट एज टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1+h, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं राइट हैंड लिमिट को. अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो f ऑफ 1+h कहाँ आएगा, 1+h हमारा इसी x में आएगा, क्योंकि ये x की वैल्यू को डिनोट करता है f ऑफ x. तो x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है और 2 से कम ही होगा, तो ये वाला फंक्शन यहाँ काम का है हमारे. तो इसी के आधार पे हम निकालते हैं, तो क्या आएगा, 4x³ मीन्स 1+h³ - 3 1+h, ऐसा हो जाएगा. सिंपली जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे हमने 1+h रख दिया. इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ये आसान सी बात है. 4 और इसको अगर कॉमन, पहले हम कॉमन ही कर लेते हैं, यहाँ लिमिट होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1+h अगर हम कॉमन कर लें तो आएगा 4 और यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर. होल स्क्वायर को अगर ब्रेक करेंगे तो 1+h² और ये हो जाएगा 2h. या हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते थे,
देखिए, हम चाहें तो शायद धीरे डायरेक्ट वैल्यू ही देख सकते हैं। अगर एच की वैल्यू यहाँ पे अगर हम ज़ीरो पुट करें तो क्या मिलेगा, यहाँ से ज़ीरो और यहाँ से ज़ीरो, यानी सिंपली 4-3 इज इक्वल टू 1, यानी इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। जहाँ जहाँ एच है वहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो 4-3 इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ ज़ीरो कर देंगे तो ये 1 का क्यूब 1 ही होगा और 3 × 1 3 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, एफ ऑफ 1-0, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसके लिए हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन से, एफ ऑफ 1-h, यानी जहाँ प्लस दिख रहा है वहीं पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस, इस तरह से माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस अगर हम लेफ्ट की बात करें तो। हम इसी में देख लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, सेम 1-h। अब 1-h हमारा x की वैल्यू यहाँ पे आएगा, ये x किसके बीच में है, 0 से लेके 1 के बीच में, तो हमें क्या करना होगा, f ऑफ 1-h, यानी हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ हमें वैल्यू मिलेगी, यहाँ x की जगह पे, क्योंकि अब फंक्शन हमारा ये यूज होगा, सो 5 × 1-h - 4। यहाँ भी अगर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5-4 ये भी आएगा 1, यानी हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या आ रही है, एट x इक्वल टू 1, f ऑफ 1 इक्वल टू, अब f ऑफ 1 कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 1 के बराबर भी है, यानी यही फंक्शन यूज हो जाएगा। तो 5 × 1 = 1, तो क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू भी 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, और इसके जस्ट पहले हमने किया था राइट हैंड लिमिट भी 1 था, यानी हमें मिल गया LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 1। तो ये तीनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है एट x इक्वल टू 1 कॉन्टीन्यूटी को शो कर रहा है, ये कॉन्टीन्यूस है। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों के लिए हम लेफ्ट राइट लिमिट निकालेंगे, उसके बाद फंक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे, तीनों अगर बराबर आता है तो कॉन्टीन्यूअस, अदरवाइज डिसकॉन्टीन्यूअस। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमें गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x² फॉर एक्स इज लेस और इक्वल 0, और एफ ऑफ एक्स -4 इज इक्वल टू, ये वैल्यू है फॉर 0 से 1 के बीच में है x की वैल्यू, 4x² - 3x, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, 3x + 4 फॉर x इज ग्रेटर दैन इक्वल 2। हमें क्या करना है, चेक करना है कॉन्टीन्यूटी को, चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्टीन्यूटी। तो यहाँ भी हमें कॉन्टीन्यूटी चेक करना है अलग अलग पॉइंट पे, x बराबर 0 पे भी, 1 पे भी और 2 पे भी, यानी हमारे पास 3 पॉइंट है, एक x इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 2, दोनों पे हमें चेक करना है कि ये कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू 0 के लिए सॉल्यूशन, तो फॉर x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 के लिए शुरू करेंगे। तो इसका पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1+0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1+h, 1+h, तो फंक्शन 1+h यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब x की वैल्यू 1 से बड़ी कहाँ मिलेगी, x की वैल्यू 1 से बराबर है या छोटा है, यहाँ तक इस वाले में मिल सकता है, x की वैल्यू 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, यानी ये वाला फंक्शन हमारे काम का है 4x² - 3x। यहीं पे वैल्यू पुट करते हैं x के जगह पे 1+h, सो 4x² मीन्स 1+h का होल स्क्वायर माइनस 3 1+h, और ये लिमिट h टेंडिंग टू 0।
अब अगर हम h की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करें तो क्या मिलेगा, 4 माइनस 3, एच तो 0 ही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 1 डायरेक्ट। उसी तरीके से इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या होगा, f ऑफ 1 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच। जब 1 माइनस एच करेंगे यानी x की वैल्यू 1 में से कुछ माइनस हो रही है, तो 1 में से माइनस होने वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली है एफ एक्स, 5x माइनस 4। इस बार ये हमारा काम का फंक्शन है, तो अगर इसमें हम रखेंगे x के प्लेस पे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 1 माइनस एच माइनस 4, तो फिर से अगर हम 0 पुट करते हैं h के प्लेस पे तो हमें क्या मिलेगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, यानी RHL और LHL दोनों की वैल्यू 1 आ रही है जब हम x इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 1 को ही स्टार्ट कर लिया है, हमें 0 भी लाना था, खैर सबसे पहले मैं 1 को ही कर रहा हूं, 0 हम बाद में कर लेंगे। तो RHL और LHL बराबर आ रहा है, इसी तरीके से इसके फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, एट x इक्वल टू 1 f ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 हमारा इसमें आएगा तो 5 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी वैल्यू 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी जो गिवन फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे कॉन्टीन्यूअस है। सो दिस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, क्लियर है। अब हम देखते हैं x इक्वल टू 0 के लिए क्या है, तो x इक्वल टू अगर 0 हमें लाना है तो हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, बस चेंजेस क्या होंगे, जहाँ पे 1 दिख रहा है वहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 0, तो इसको हम करते हैं फिर से, तो x इक्वल टू 0 के लिए हमारा जो डिफिनीशन है बाय डिफिनीशन f ऑफ 0 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, इस तरीके से हम राइट हैंड लिमिट को डिफाइन करते हैं। तो अब 0 प्लस h कहाँ मिलेगा, 0 से ज़्यादा है वैल्यू, ये आ रहा है इसमें, यहाँ हम वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये अगर हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा लें तो h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5h माइनस 4, जहाँ x है वहाँ पे h पुट करना है। अब यहाँ पे अगर हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस 4, राइट। तो राइट हैंड लिमिट हमें मिल रहा है माइनस 4, इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा 0 माइनस 0, फंक्शन ऑफ 0 माइनस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो लिमिट का एग्जिस्टेंस हमने इसके पहले वाले वीडियो में किया था, इसलिए हम इसको थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लिमिट को समझ रहे हैं तो कॉन्टीन्यूटी में बहुत ज़्यादा आगे मेहनत नहीं करना है, सेम उसी प्रोसेस से आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, अब ये हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h, क्लियर, f ऑफ माइनस h। तो देखते हैं 0 के लिए क्या होगा, माइनस h f ऑफ माइनस h, तो अगर हम माइनस h रखें ये कहाँ पे जाएगा, 0 में से कुछ हम वैल्यू कम कर रहे हैं, 0 माइनस h यानी ये पहला वाला ही फंक्शन होगा, यानी कि हमारे लिए ये फंक्शन यहाँ काम का है। तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर इसको हम पुट करेंगे वहाँ पे तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और माइनस एच अगर हम वहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस और एच स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0, राइट। माइनस की जगह पे माइनस है और जहाँ x है वहाँ हम रखेंगे माइनस h, तो माइनस h का स्क्वायर एच स्क्वायर, अब अगर हम लिमिट की वैल्यू रखते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो राइट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसकी वैल्यू माइनस 4 आई थी और इसकी वैल्यू 0 आई थी, तो इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये यहीं से पता चल रहा है कि ये डिसकॉन्टीन्यूअस है,
कॉन्टीन्यूअस नहीं है, कॉन्टीन्यूटी को शो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं ये x इक्वल टू टू के लिए कैसा शो हो रहा है। तो यहीं पे मिल गया, इसलिए हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम x इक्वल टू टू के लिए, x इक्वल टू के लिए क्या होगा, फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से होगा डिफाइन f ऑफ टू प्लस ज़ीरो, और यहाँ हो जाएगा टू, राइट, टू प्लस ज़ीरो एंड दिस। अब टू प्लस है x की वैल्यू, किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, टू प्लस इसी में आएगा x का वैल्यू, x टू ग्रेटर देन, तो यानी यहाँ पे हमारा ये फंक्शन काम का है 3x प्लस फोर। तो 3 और x के जगह पे क्या है, यहाँ यही तो है हमारा x, तो 2 प्लस एच प्लस फोर लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू ज़ीरो, या फिर हम चाहें तो या लिख लेते हैं एक बार, तो 3 टू जस 6 प्लस 3h प्लस फोर। अब अगर हम h की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 प्लस फोर यानी 10। तो राइट हैंड के लिमिट की वैल्यू आ रही है, राइट हैंड लिमिट 10 आ रहा है। इसी तरीके से हम इसका लेफ़्ट साइड चेक करते हैं, लेफ़्ट साइड में क्या होगा, लेफ़्ट साइड में हमारा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर से लेफ़्ट हैंड लिमिट भी वही आ रहा है, यानी हम पा लिए RHL और LHL दोनों का लिमिट, दोनों वैल्यू 10 आ रही है। अब इसका फंक्शन चेक कर लेते हैं, f ऑफ 2 कितना है, f ऑफ 2 किस में आएगा, इसी में आएगा, लास्ट वाले में बराबर भी है, इसमें दोनों साइन है, सो 3 इंटू 2 प्लस 4, 3 टू जा 6 प्लस 4 यानी 10। तो इस केस में भी तीनों वैल्यू सेम आ रही है, RHL की वैल्यू भी 10 थी, LHL भी 10 है, और f ऑफ 2 भी 10 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिंस f ऑफ 2 माइनस 0 इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस 0, और साथ साथ f ऑफ 2, ये तीनों वैल्यू सेम है, इसलिए जो गिवन फंक्शन होगा वो x इक्वल टू 2 के लिए कॉन्टीन्यूटी को शो कर रहा है। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, कुछ कठिन नहीं है इसमें। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का, क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, या सिंगल क्वेश्चन ही करते हैं, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन कुछ इस तरीके से है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस a, लिख देते हैं क्वेश्चन को पूरा, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x माइनस a साइन 1 अपॉन x माइनस a, और ये है x नॉट इक्वल टू a। तो फंक्शन की वैल्यू है इतना जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू a है, और इसकी वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू a के बराबर है। x इक्वल टू a, तो ये है क्वेश्चन, हमें चेक करना है डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन x माइनस a साइन 1 अपॉन x माइनस a, ये तब है जब x की वैल्यू a के बराबर नहीं है, और जब x की वैल्यू a के बराबर है तो ये 0 है, यानी एक कंडीशन हमें गिवन है पहले से, गिवन क्या है, गिवन ये है f ऑफ a x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी f ऑफ a की वैल्यू गिवन है हमें 0, क्लियर है, x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, फंक्शन की वैल्यू ही गिवन है दोनों, ये वैल्यू तब है जब x की वैल्यू a के बराबर नहीं है, ये वैल्यू तब है जब x की वैल्यू a के बराबर है, यानी ये चीज़ हमें गिवन है। तो f ऑफ a पहले से गिवन है,
अब अगर इस फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यूस शो करना है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, इसका राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, यानी एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो और नेक्स्ट वन इज़ एफ ऑफ ए। और एफ ऑफ ए पहले से है ज़ीरो, यानी इसको भी सभी को हमको बराबर दिखाना होगा और सारा का सारा ज़ीरो आना चाहिए। ये आएगा तब हमारा पता चल जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो फिलहाल हमें चेक करना है, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, हमें कॉन्टिन्यूटी को चेक करनी है। ठीक है, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। तो पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो, ये डिफिनेशन से है, इसको एकदम रट जाइए, कुछ नहीं है। फिर एस टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, राइट हैंड लिमिट को हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। तो इसको अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a प्लस एच रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस एच माइनस ए, x के प्लेस पे a प्लस एच और माइनस ए, देन साइन वन अपॉन a प्लस एच और माइनस ए। सिंपली x के प्लेस पे a प्लस एच हमने रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो एच और साइन वन अपॉन एच, एच और साइन वन बाई एच, ए ए यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, ए यहाँ भी कैंसिल हो रहा है। इसको हम किसी भी तरह से सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि एच मल्टीप्लाई में है और साइन वाली वैल्यू में भी एच आता ही है, वन बाई एच भी करेंगे तो भी वो कैंसिल होगा, लेकिन फिर भी ये वैल्यू ज़ीरो ही मिलेगी। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट हमें मिल रहा है ज़ीरो, उसी तरीके से इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो इक्वल लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, अब रखते हैं वहाँ पे ए माइनस एच, तो देखते हैं क्या होता है, क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो ए माइनस एच, तो इसी में रखेंगे, तो ए माइनस एच माइनस ए साइन वन अपॉन ए माइनस एच माइनस ए, तो ए ए फिर से कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो माइनस एच, और ये हो जाएगा साइन वन अपॉन माइनस एच, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फिर से ज़ीरो ही आ रहा है, सेम है। तो हम क्या पा रहे हैं कि जो लिमिट है आर एच एल लिमिट, इसकी वैल्यू भी ज़ीरो, और एल एच एल जो था इसकी वैल्यू भी ज़ीरो ही है, और एक पहले से ही गिवन था एफ ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो, यानी हमें क्या मिला, फाइनली हमें मिल गया एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो एंड दिस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड इक्वल टू ज़ीरो, तो ये सारी वैल्यू सेम है। इसका मतलब कि एक्स इक्वल टू ए के लिए ये कॉन्टीन्यूटी को शो कर रहा है, कॉन्टीन्यूटी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद से भी, इसमें और ज़्यादा कोई नया फॉर्मूला नहीं है। कॉन्टीन्यूटी हम इसी तरीके से चेक करते हैं, सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद उसकी फंक्शनल वैल्यू, ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, और इस तरह से जब क्वेश्चन देते हैं तो हमें इसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूटी निकालनी होती है, क्योंकि इस पर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, जो भी होगा उसके हिसाब से हम इस तरह से कर सकते हैं। सो फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो दिस, थैंक यू सो मच।